तो दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं को। तो देखिए आज की क्लास में आपका पाठ चल रहा है एक भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अब तक इस चैप्टर के अंदर या इस टॉप पार्ट के अंदर यानी भोजन जो था, भोजन से संबंधित जो आपके संतुलित भोजन के जो अवयव होते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल आदि के बारे में कल आपको बताया। उनसे संबंधित होने वाले या उनसे संबंधित जो रोग थे उनके बारे में समझाया। तो दोस्तों ध्यान देना, आज अगला जो टॉपिक है इसमें वो है मानव स्वास्थ्य। कौन सा है? मानव स्वास्थ्य। और मानव स्वास्थ्य में आज जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है कि पीने योग्य पानी के गुण, यानी पीने योग्य पानी के गुण, यानी पीने योग्य पानी के गुण, पानी के गुण एवं दूषित पानी के दुष्प्रभाव। यानी जो दूषित जो होता है, दूषित जो जल है या दूषित जो पानी है उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, यानी दूषित जल के दुष्प्रभाव, दूषित जल के दुष्प्रभाव, दूषित जल के दुष्प्रभाव कि दूषित जल पीने से या दूषित पानी पीने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान देना कि मानव स्वास्थ्य क्या है, मानव स्वास्थ्य। और मानव स्वास्थ्य में आपका जो आज का जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पीने योग्य पानी के गुण। जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं या जो जल पी रहे हैं उस जल के क्या गुण होने चाहिए, और जो प्रदूषित जो जल है या जो दूषित जो जल है उसके क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। शुरुआत करते हैं तो ध्यान देना कि जल, उसने लिखा है कि हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल स्रोतों का, हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल स्रोतों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं। वो लिख रहा है कि हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल स्रोतों का इस प्रकार से दोहन कर रहे हैं कि आने वाले समय में, किसमें आने वाले समय में जल संकट एक विकराल रूप धारण कर लेगा। कि जो जल है, जो अपना क्या है, जल है, जल एक विकराल रूप धारण कर लेगा या विकराल रूप में हमारे सामने क्या होगा, मौजूद होगा। तो ध्यान देना दोस्तों, आपकी बुक के अंदर शुरुआती दो लाइनों में क्या लिखा है कि हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल स्रोतों का इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं कि आने वाले समय में जल संकट एक विकराल रूप में क्या होगा, मौजूद होगा। कैसे रूप में मौजूद होगा दोस्तों, विकराल रूप में, यानी हमारे सामने विकट समस्या क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए शुरुआत करते हैं जल। तो देखिए जल का जो अणु सूत्र होता है, जल का क्या होता है, अणु सूत्र जो होता है, जल का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O। आई बात समझ में? यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन जो है अपने तत्व हैं, उनसे क्या होता है, मिलकर क्या होता है, जल का क्या होता है, निर्माण होता है। जिसमें कि हाइड्रोजन कितने परमाणु होते हैं, दो, और ऑक्सीजन कितना होता है, एक, यानी 2:1 में, कितने अनुपात में होते हैं, 2:1 में। आई बात समझ में? तो आपको बताया जा रहा है कि पीने योग्य पानी के क्या गुण हैं एवं दूषित जल के क्या दुष्प्रभाव हैं, यानी जो दूषित जल हम पी रहे हैं उसके क्या दुष्प्रभाव हैं। तो ध्यान देना, जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। जो हमारा उपयोग का जल है, उपयोग जो हम जल का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, यानी जो जल हम पी रहे हैं या जिस जल का उपयोग हम विभिन्न क्रियाकलापों में कर रहे हैं, तो उपयोग का जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह हमें भूमिगत जल स्रोतों से, किससे, भूमिगत जल स्रोतों से, यानी भूमिगत जल स्रोतों से किससे प्राप्त होता है, भूमिगत जल स्रोतें, झील हैं, तालाब हैं, नदियां हैं आदि से क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, यानी आदि से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है।
यानी जल के स्रोत, यानी एक तो बता दिया जल का अणु सूत्र शुरुआत करें कि ये आपके टॉपिक की, और टॉपिक में जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O, क्या होता है H2O, और जल के जो स्रोत होते हैं, जल के क्या होते हैं स्रोत, तो जल के स्रोत क्या है कि जल के स्रोत, ध्यान देना दोस्तों, जल के स्रोत, तो हमारे उपयोग का जो संपूर्ण जल है, हमारे उपयोग का क्या होता है जो संपूर्ण जल है, ये भूमिगत जल स्रोतों से, किससे भूमिगत स्रोतों से, किससे भूमिगत स्रोतों से, जैसे कि नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं आदि से हमें क्या होता है प्राप्त होता है, क्या होता है प्राप्त होता है। और जो जल होता है, आगे लिखा है कि हम इसे उपयोग के साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं आप विश्व की जनसंख्या के, विश्व की जनसंख्या बहुत तेज गति से क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जल का हमारे दैनिक जीवन में क्या है अनेकों उपयोग हैं, इसलिए जल का हम उपयोग के साथ साथ उसका क्या कर रहे हैं, हम प्रदूषित भी कर रहे हैं, जल को क्या कर रहे हैं उसे प्रदूषित भी कर रहे हैं। इसलिए आपकी बुक में लिखा है कि हम जीवन दाता पर, हम अपने जीवन दाता पर द्विधारी तलवार से क्या कर रहे हैं वार कर रहे हैं। जल क्या है जीवन दाता है, जल क्या होता है जीवन दाता, क्या है जल जीवन दाता है, यानी जल क्या होता है जीवन दाता, क्यों जल जीवन दाता क्यों है, क्योंकि जल जो होता है लगभग हमारे शरीर का लगभग 70% भाग, यानी हमारे शरीर का 70% भाग किससे बना होता है जल से, किससे बना होता है जल से। पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों में लगभग 90% भाग क्या पाया होता है जल का होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको जीवन दाता कहा गया है, क्या कहा है जीवन दाता। इसलिए आपकी बुक में लिखा है कि हम इसको क्या कर रहे हैं अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं इसका उपयोग कर रहे हैं, जल का क्या कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ इसको क्या कर रहे हैं प्रदूषित भी कर रहे हैं, यानी दूषित भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको जल को दूषित भी कर रहे हैं या प्रदूषित भी कर रहे हैं। इसलिए आपकी बुक में लिखा है कि हम अपने जीवन दाता पर, हम अपने जीवन दाता पर क्या कर रहे हैं द्विधारी तलवार से क्या कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं। साथ ही लिखा है कि जल ही जीवन है, क्या होता है जल ही जीवन है, बुक में लिखा है आपका जल ही जीवन है, यानी जल ही जीवन है, तो ये कोई जल ही जीवन है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आपकी बुक में बताया गया है लिखा गया है कि जल ही जीवन है। और हम भी जानते हैं, आप सब जानते हैं दोस्तों कि जल ही क्या है जीवन है, क्योंकि जल हमें जीवन दाता है, हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना हुआ है, इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें 90% तक का क्या पाया जाता है जल पाया जाता है। इसलिए उसने लिखा है कि जल ही जीवन है, ये कोई क्या नहीं है अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जल का उपयोग, अतिशयोक्ति मतलब है कोई मुहावरा नहीं है, कोई लोकोक्ति नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल ही क्या है जीवन है, जल ही क्या है जीवन है, क्योंकि जल का जो उपयोग होता है, यानी जल के क्या होते हैं उपयोग, जल का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, यानी जल का उपयोग, यानी जल का उपयोग क्या होता है विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कपड़े धोने में, सिंचाई में, पीने में, कृषि कार्यों में, उद्योग धंधों में आदि क्षेत्रों में जल का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। इसलिए यानी इसलिए कहा गया है कि जल ही क्या है जीवन है, क्या कहा गया है जल ही जीवन है। तो ध्यान देना दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत की गई है, यानी अब आपका टॉपिक है मानव स्वास्थ्य, और मानव स्वास्थ्य में आपके लिए मैं आज आप बताने जा रहा हूं कि पीने योग्य जल पानी के क्या गुण होने चाहिए, और दूषित जल के क्या होते हैं दुष्प्रभाव होते हैं, दूषित जल जो होता है उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो शुरुआत की गई है, ध्यान देना एक बार आपको और रिपीट करा देता हूं कि जल का अणु सूत्र, यानी जल का अणु सूत्र क्या होता है H2O, क्या होता है H2O, जल के स्रोत, जल के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं भूमिगत, क्या होता है भूमिगत जल स्रोत जो होते हैं ये जल के क्या है प्रमुख स्रोत हैं, जैसे झील हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, नलकूप हैं, नदियां हैं, ये जल के क्या है प्रमुख स्रोत हैं। और जल का उपयोग विभिन्न क्रियाकलापों में किया जाता है, जैसे कि कपड़े धोने में, सिंचाई में, बर्तन साफ करने में, कृषि में, खाना बनाने में, स्नान करने में, उद्योगों में आदि क्षेत्रों में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए उसने लिखा है कि हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल स्रोतों का इस प्रकार से दोहन कर रहे हैं कि
आने वाले समय में कि आने वाले समय में जल संकट एक विकराल रूप में हमारे सामने मौजूद रहेगा। इसके अलावा उसने बताया है कि हम जल पर क्या कर रहे हैं, यानी अपने जीवन दाता पर। जल हमारे लिए क्या है? एक जीवन दाता है। तो हम जीवन दाता पर द्विधारी तलवार से क्या कर रहे हैं? वार कर रहे हैं। यानी जल जो है अपना जीवन दाता होता है, क्योंकि आप जानते हैं जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो हम अपने जीवन दाता पर द्विधारी तलवार से क्या कर रहे हैं? वार कर रहे हैं। द्विधारी तलवार का मतलब है इसकी जल का उपयोग हम आवश्यकता से अधिक इसका क्या कर रहे हैं? उपयोग भी कर रहे हैं। इसके अलावा इसको हम क्या कर रहे हैं? प्रदूषित भी कर रहे हैं। और आप जानते हैं उसके ने अगली लाइन में लिखा है कि जल ही जीवन है। क्या लिखा है उसने अगली लाइन में? अगली लाइन में उसने लिखा है कि जल ही जीवन है, ये कोई क्या नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जल का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। क्या किया जाता है? जल का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। और जल पृथ्वी पर एक ऐसा, यानी जल पृथ्वी पर एक ऐसा क्या है, तरल पदार्थ है, या ऐसा एक पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रश्न आ सकता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो यानी जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? यानी एक तो होती है ठोस अवस्था। कौन सी होती है? ठोस अवस्था। एक कौन सी होती है? गैस अवस्था। कौन सी होती है? गैस अवस्था। और एक कौन सी होती है? द्रव अवस्था। कौन सी होती है? द्रव अवस्था। तो उसने बताया कि जल पृथ्वी पर एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, गैस अवस्था में भी पाया जाता है, और द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। ठोस अवस्था यानी बर्फ के रूप में। कौन से किस रूप में? बर्फ के रूप में। देखा होगा आपने ध्रुवीय क्षेत्रों में, या जो अपने ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहां पर जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? बर्फ के रूप में। गैस जो आप जानते हैं गैस के रूप में क्या होता है? जल वाष्प के रूप में है। कैसा होता है? जल वाष्प। गैस के रूप में कैसा होता है? जल वाष्प के रूप में है। ठोस के रूप में कैसा है? बर्फ के रूप में है। कैसे रूप में? बर्फ के रूप में। और द्रव जो होता है द्रव के रूप में कैसा है? तरल के रूप में। कैसे? तरल के रूप में। यानी द्रव जो होता है तरल। कौन से रूप में? तरल के रूप में, ठीक है ना, या जल के रूप में। किसके रूप में? जल के रूप में। तो इसकी कितनी अवस्थाएं हुई दोस्तों? तीन अवस्थाएं। यानी कोई प्रश्न आ सकता है एक नंबर में, क्योंकि आप जानते हैं इस पाठ से कुल 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से एक एक अंक का और एक 3 अंक का, टोटल 4 अंक। तो ध्यान देना, प्रश्न आ सकता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों ही अवस्थाओं में या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो कौन है वो? जल है। कौन है? जल। जो ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, गैस अवस्था में जल वाष्प के रूप में। यानी जल को आप क्या करते हैं? जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर क्या होता है, यानी ये उबलना प्रारंभ कर देता है, और वाष्प के रूप में धीरे धीरे उड़ना प्रारंभ कर देता है। किसके रूप में? वाष्प के रूप में, भाप के रूप में। तो जिसे हम जल वाष्प के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जो बर्फ के रूप में होता है उसे कौन सा बिंदु बोलते हैं? हिमांक बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? हिमांक बिंदु। और जब बर्फ गलना प्रारंभ कर देती है अपने गलनांक बिंदु पर, तो जल जो होता है वो द्रव अवस्था यानी तरल अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके बारे में जल के बारे में सामान्य जानकारी। जल का अणुसूत्र होता है H2O, ठीक है ना। जल के स्रोत, जल हमें भूमिगत स्रोत होते हैं इसके, जैसे नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं आदि से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। फिर जल के उपयोग, कि जल हमें जो होता है जल के क्या क्या उपयोग हैं वो आपके लिए बताए, और फिर आपके लिए बताया गया जल की अवस्थाएं। क्या बताई गई? जल की अवस्थाएं। आगे वो लिख रहा है कि जल में कुछ ऐसे कुछ हानिकारक एवं लाभदायक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। लाभदायक पदार्थ मतलब सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, यानी जल जो होता है यानी उसमें हमें कई प्रकार के कण एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो कुछ हमारे लिए कैसे होते हैं? लाभदायक होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? हानि पहुंचाते हैं। कुछ कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। ध्यान देना, यानी जो जल होता है जल में कुछ ऐसे सूक्ष्म कण एवं क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। जल में ऐसे कुछ सूक्ष्म कण एवं क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। जो कैसे होते हैं? यानी जो जल जो होता है उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म पदार्थ एवं क्या होते हैं? कण
कण होते हैं जो कुछ हमारे लिए कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं? हानिकारक। चलते हैं अगला टॉपिक, इसमें जो मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं, गौर देना, वो टॉपिक है कि पीने योग्य जल के, यानी जो अपना क्या है, पीने योग्य जो जल है उसके क्या गुण हैं, यानी जो हम जिस जल का उपयोग क्या कर रहे हैं, पीने में कर रहे हैं, यानी पीने योग्य पानी के क्या गुण होने चाहिए, या पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए, यानी पीने योग्य जो पानी है जिसको हम जल जल के क्या गुण होने चाहिए। तो ध्यान देना, प्रश्न आता है, लिखाते भी हैं कि पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए, या पीने योग्य जो पानी है उसमें कौन कौन से विशेषताएं मौजूद होनी चाहिए। तो ध्यान देना, नंबर एक, तो पीने योग्य पानी के क्या क्या गुण हैं, तो ध्यान देना नंबर ए में ध्यान देना, समझना, गौर देना नंबर ए में, कि आंखों से दिखने वाले जो कण हैं, आंखों से दिखने वाले सूक्ष्म जीव एवं वनस्पति नहीं होनी चाहिए, यानी आंखों से दिखने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं एवं जो वनस्पति होती है, क्या होती है, वनस्पति नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना, यानी नहीं होनी चाहिए, गौर देना, ध्यान देना कि जो हमारा पीने योग्य जल है, जो हमारा कैसा जल है, पीने योग्य जल है, तो उस पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए। तो नंबर एक है, उस जल में आंखों से दिखने वाले, वो जो जल हम पी रहे हैं, जिस जल का उपयोग हम पीने में करते हैं, उस जल में आंखों से दिखने वाले यानी सूक्ष्म जीव एवं वनस्पति नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा ध्यान देना, जल की पीएच कैसे होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। जो जल है, जिस जल का उपयोग हम पीने में कर रहे हैं, जिस जल को हम क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, उस जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। ध्यान देना कि जिस जल को हम पी रहे हैं, या जिस जो जल पीने योग्य है, जो जल कैसा है, पीने योग्य है, उस जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि शुद्ध जल की जो होता है, अशुद्ध जो जल होता है, उसकी पीएच कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7। 7 होती है पीएच, कितनी होती है, 7। पीएच बराबर 7, यानी शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7। तो जिस जल का हम उपयोग कर रहे हैं उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 7, ठीक है ना। तो जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए, नंबर दूसरा हो गया। नंबर तीसरा ध्यान देना कि जल जो होता है, जिस जल का उपयोग हम किस में कर रहे हैं, पीने में कर रहे हैं, उस जल में, यानी जो जल है, जल में पर्याप्त मात्रा में, कैसी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है ना। उस जल में, जिस जल का उपयोग हम किस में कर रहे हैं, पीने में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, पीने में कर रहे हैं, यानी जो जल है, जिसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं, पीने में कर रहे हैं, तो पीने योग्य जो जल है, वो या उस जल में पर्याप्त मात्रा में, कैसी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए, ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। ध्यान देना, ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। ध्यान देना कि जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए, नंबर तीसरा बता रहा हूं कि जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, ठीक है ना। कैसे होनी चाहिए, घुली हुई होनी चाहिए, यानी पर्याप्त मात्रा में उसमें कैसे होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। नंबर अगला देखिए कि जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो, यानी जो हम जिस जल का उपयोग हम किस में कर रहे हैं, पीने में कर रहे हैं, जिस जल का उपयोग किस में कर रहे हैं, पीने में कर रहे हैं, तो उस जल में, यानी जल में हानिकारक, यानी जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, यानी जल में हानिकारक या हानि पहुंचाने वाले,
जल में हानिकारक या हानि पहुंचाने वाले, या हानि पहुंचाने वाले, पहुंचाने वाले वाले कण नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कण होने नहीं चाहिए। आई बात समझ? आंखों से देखने वाले सूक्ष्म जीव वनस्पति नहीं होनी चाहिए। नंबर एक, आंखों से देखने वाले सूक्ष्म जीव या जो क्या होनी चाहिए, वनस्पति नहीं होनी चाहिए। दूसरी है, जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। जल में हानिकारक या हानि पहुंचाने वाले जो कण हैं, कण नहीं होने चाहिए, कण नहीं होने चाहिए। आई बात समझ में? तो ध्यान देना दोस्तों कि जल में जो हानिकारक या हानि पहुंचाने वाले कण हैं वो नहीं होने चाहिए। और एक दो विशेषता और ध्यान रख लेना कि जल जो है, जल यानी जल जो होता है, जल रंगहीन, कैसा? रंगहीन, रंगहीन कौमा गंधहीन, कैसा? गंधहीन एवं पारदर्शक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पारदर्शक। ध्यान देना, कैसा होना चाहिए? पारदर्शक होना चाहिए। समझना, ध्यान देना, कैसा होना चाहिए? पारदर्शक होना चाहिए, यानी जल रंगहीन, गंधहीन एवं पारदर्शक होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी निम्नलिखित विशेषताएं, यानी जो पीने योग्य जल पानी के क्या क्या गुण होने चाहिए या उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो आपके सिलेबस के अनुसार पीने योग्य जल में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक बार और ध्यान देना कि आंखों से दिखने वाले, आंखों से दिखने वाले सूक्ष्म जीव एवं वनस्पति नहीं होनी चाहिए। यानी जो आंखों से दिखने वाले जो सूक्ष्म जीव है और जो वनस्पति है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, जल की पीएच, जो अपना जल है, जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? संतुलित, यानी बैलेंस में होनी चाहिए। किस में चाहिए? बैलेंस में, संतुलित। और आप जानते हैं शुद्ध जल जो होता है, आशुद्ध जल जो होता है, उसकी पीएच कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। तो जिस जल का उपयोग हम पीने में कर रहे हैं उसकी पीएच 7 होनी चाहिए। तीसरा है, जल में पर्याप्त मात्रा में, जो हम जल जिसका उपयोग किसमें कर रहे हैं? पीने में कर रहे हैं। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, यानी जो जल है उसमें पर्याप्त मात्रा में, यानी उसमें पर्याप्त मात्रा में पीएच घुली होनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर 4 है कि जल में हानिकारक या हानि पहुंचाने वाले कण नहीं होने चाहिए। और इसकी एक जो विशेषता है, प्रमुख विशेषताएं, कि जल जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन एवं पारदर्शक होना चाहिए। तो ये निम्नलिखित जो विशेषताएं मैंने लिखी हैं या जो गुण लिखे हैं, ये पीने योग्य पानी के अंदर मौजूद होने चाहिए। ओके, आगे इसमें फ्रेंडो मित्रों ध्यान देना कि आगे इसके अंदर बताया गया है कि जल जो होता है, यानी जल जो होता है हमारे शरीर की, ध्यान देना, जल जो होता है वो हमारे शरीर की समस्त उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, कैसी क्रियाएं होती हैं? उपापचयी क्रियाएं होती हैं। कि जो जल होता है वो हमारे शरीर की जो समस्त उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, यानी जो जल होता है हमारे शरीर की जो समस्त जो उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या कराते हैं? संपादित कराने का कार्य करता है। यानी जो जल होता है, ध्यान देना, जल जो होता है, जल शरीर के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनको संपादित कराने का कार्य करता है, यानी उनको संपन्न करने का कार्य करता है। आई बात समझ में? इसके बाद इसमें बताया गया है कि इसलिए चिकित्सक के अनुसार, यानी इसलिए चिकित्सक के अनुसार, यानी हमें कम से कम 8 से 10 गिलास, 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। यानी आपकी बुक में आगे लिखा गया है कि जो जल होता है ये हमारे शरीर की समस्त जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाओं को क्या कराता है? संपादित कराता है या उनको संपन्न कराता है। इसलिए हमें कम से कम एक दिन में चिकित्सक के अनुसार या डॉक्टर के अनुसार 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। यानी 8 से 10 गिलास क्या होना चाहिए? पानी पीना चाहिए। किसके अनुसार? चिकित्सक के अनुसार। यानी जो चिकित्सक होते हैं वो हमें सलाह देते हैं या मशवरा देते हैं
कि हमें कम से कम, हमें कम से कम ठीक है ना, एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और यदि आप ज्यादा शारीरिक श्रम कर रहे हैं, आप कैसा श्रम कर रहे हैं, ज्यादा शारीरिक श्रम कर रहे हैं यानी ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, कैसा परिश्रम कर रहे हैं, ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, तो हमें अधिक मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, अधिक जल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम मात्रा में जल का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर की जो उपापचय क्रियाएं हैं, जो हमारे उपापचय क्रियाएं, ये सही तरीके से कार्य नहीं करेंगी, तो हमारे शरीर की जो उपापचय क्रियाएं ये सही तरह से कार्य करें, उपापचय जो क्रियाएं हैं ये सही तरह से क्या करें, कार्य करें, इसके लिए हमें अधिक से अधिक जल का सेवन करना चाहिए। और चिकित्सक के अनुसार कम से कम, यानी जो चिकित्सक है उसके अनुसार कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको उस 8 से 10 गिलास से भी अधिक पानी पीना चाहिए। ओके, आगे इसमें चलते हैं। आगे इसमें बताया गया है भाई अधिक जल पीने से क्या लाभ है, यानी अभी तो आप बस इतना पढ़ रहे कि भाई हमें आवश्यकता से अधिक, यानी जब हम ज्यादा परिश्रम करते हैं तो हमें आवश्यकता से अधिक, यानी आवश्यकता कितनी बताई गई चिकित्सक ने, 8 से 10, कितनी बताई है, 8 से 10 गिलास। लेकिन हम ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं तो हमें आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जल जो होता है हमारे शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं को क्या कराता है, संपादित कराता है, यानी जो हमारे शरीर की जो समस्त उपापचय क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जल के द्वारा क्या होती हैं, संपादित होती हैं। आई समझ में, आगे ध्यान देना दोस्तों इसमें कि अधिक जल पीने से क्या लाभ है, कि जो अधिक जल पीने से क्या लाभ है, तो ध्यान देना भाई, अभी आपको बताया था कि पीने योग्य पानी के गुण, और इसके बारे में एक टॉपिक इसमें आया था, ध्यान रखना कि चिकित्सक के अनुसार हमें कम से कम कितना पानी पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास, कितना पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास। अब इसमें अगला टॉपिक जो है ध्यान देना, वो बताने जा रहे हैं आपके लिए, समझना कि अधिक जल पीने से क्या लाभ है, या प्रश्न ये भी बनता है भाई अधिक जल पीने से, अधिक पानी पीने से क्या लाभ है, या अधिक जल हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो ध्यान देना समझना, अधिक जल पीने से लाभ, यानी अधिक जल का सेवन, अधिक जल का सेवन करने से लाभ, या करने से लाभ, या अधिक पानी पीने से लाभ, यानी अधिक जल का सेवन करने से लाभ, या अधिक जल पीने का लाभ, ऐसा में अधिक जल का सेवन करने से लाभ, कि अधिक जल का अगर हम सेवन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, अधिक जल हम पी रहे हैं, अधिक जल हम क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, उसके क्या लाभ हैं। आई बात समझ में, तो ध्यान देना इसके कई प्रकार के लाभ हैं। नंबर एक, ये जो अधिक मात्रा में जल पीने से, अधिक मात्रा में जल पीने से क्या होता है, जो शरीर में जो अपने क्या है जहरीले पदार्थ हैं या जो हानिकारक पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ध्यान देना, अधिक जल पीने से, अधिक जल पीने से शरीर के अंदर यानी अधिक जल पीने से शरीर के अंदर स्थित जो कैसे हानिकारक पदार्थ हैं, यानी कैसे विषैले पदार्थ हैं, वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ध्यान देना, अधिक जल पीने से शरीर के अंदर स्थित जो विषैले पदार्थ हैं या जो हानिकारक पदार्थ जिनको हम क्या लिखा है आपकी बुक में, जहरीले पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, शरीर से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यानी अधिक जल पीने से शरीर के अंदर स्थित जो हानिकारक पदार्थ हैं क्या जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, आई समय बाहर निकल जाते हैं। नंबर एक बात आई समझ में,
बता रहे हैं अधिक जल पीने से क्या लाभ है, ठीक है ना, या अधिक जल का सेवन करने से क्या लाभ है। तो नंबर एक लाभ क्या हुआ, अधिक जल पीने से शरीर के अंदर स्थित जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो जहरीले पदार्थ हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर कैसा रहता है, रोग मुक्त रहता है। जिससे शरीर कैसा रहता है, रोग मुक्त रहता है, यानी जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। आई बात समझ में, कैसा रहता है, रोग मुक्त रहता है। तो दोस्तों ध्यान देना कि जिससे जो जहरीले पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो जहरीले पदार्थ बन रहे हैं पाचन के द्वारा या श्वसन के द्वारा, या जैसे अमोनिया या यूरिया जो मूत्र का निर्माण होता है उसमें क्या होता है, यूरिया। तो अधिक मात्रा में जब हम जल पीएंगे तो शरीर के अंदर जो बने हैं हानिकारक पदार्थ या जो जहरीले पदार्थ हैं वो शरीर से क्या हो जाते हैं, शरीर के अंदर हानिकारक बाहर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जिससे शरीर कैसा रहता है, रोग मुक्त रहता है। कैसा रहता है, रोग मुक्त, ठीक है ना। नंबर दूसरा पॉइंट ध्यान देना, समझना कि इससे, यानी नंबर दूसरा क्या होता है कि अधिक मात्रा में जो जल पीते हैं या अधिक मात्रा में हम पानी पीते हैं तो थकान का एहसास नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, थकान का एहसास नहीं होता है, ठीक है ना, थकान का एहसास नहीं होता है। आई बात समझ में, यानी अधिक जल पीने से थकान का एहसास नहीं होता है। नंबर तीसरा, शरीर जो होता है अपना क्या होता है, शरीर जो होता है क्या होता है, शरीर कैसा रहता है, चुस्त रहता है, चुस्त एवं फुर्तीला बना रहता है। कैसा बना रहता है, फुर्तीला, ध्यान देना, शरीर चुस्त एवं फुर्तीला बना रहता है। कैसा बना रहता है, फुर्तीला बना रहता है, बना रहता है। आई बात समझ में, शरीर चुस्त एवं फुर्तीला बना रहता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अगला इसमें कि शरीर की, ध्यान देना, अगला पॉइंट है कि अधिक जल पीने से क्या लाभ है। तो नंबर चार पॉइंट है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। कि जो हमारा शरीर है और शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्या है, क्षमता, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता, क्या बोलते हैं उसे, प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरोधक क्षमता। तो अधिक जल पीने से जो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। आई बात समझ में कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों ध्यान देना, अगला इसमें लाभ बता रहा हूं, पांचवा लाभ कि अधिक जल पीने से क्या लाभ है, अधिक जल पीने से क्या लाभ है। तो ध्यान देना कि नियमित रूप से यानी भरपूर पानी पीने से, नियमित रूप से भरपूर पानी पीने से क्या नहीं होता है, पथरी होने का खतरा नहीं होता। यानी नियमित रूप से भरपूर भरपूर पानी पीने से पथरी होने का खतरा नहीं होता है, पथरी होने का खतरा नहीं होता है। ध्यान देना दोस्तों, यानी अगर हम नियमित रूप से भरपूर पानी पिए तो शरीर के अंदर जो स्टोन जमा हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पथरी कहते हैं, पथरी होने का खतरा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पथरी होने का खतरा नहीं होता है। अगला पॉइंट ध्यान देना कि पर्याप्त मात्रा में, कैसी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में यानी अधिक जल पीने से क्या लाभ है वो चल रहे हैं। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से सर्दी जुखाम जैसे रोग नहीं होते हैं या जैसे रोग नहीं घेरते हैं।
कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं घेरते हैं, यानी नहीं घेरते हैं या नहीं होते हैं, एक ही बात है, नहीं घेरते हैं या नहीं होते हैं। यानी नियमित रूप से अगर हम पर्याप्त मात्रा में क्या पीते हैं, पानी पीते हैं, नियमित रूप से हम पर्याप्त मात्रा में भरपूर पानी पीते हैं, तो सर्दी जुकाम जैसे रोग होते हैं ना, ये नहीं होते, यानी ये रोग हमें नहीं घेरते हैं। आई बात समझ में? आगे समझ ध्यान देना कि अधिक पानी पीने से, समझना अगला पॉइंट है कि अधिक पानी पीने से या पानी अधिक मात्रा में पानी का सेवन करने से अनावश्यक जो चर्बी होती है, यानी जो मोटापा, अनावश्यक चर्बी का मतलब होता है मोटापा, मोटापा नहीं बढ़ता है। तो अधिक मात्रा में पानी पीने से अनावश्यक चर्बी शरीर पर जमा नहीं होती है, अनावश्यक चर्बी शरीर पर जमा नहीं होती है, क्या नहीं होती है, शरीर पर जमा नहीं होती है, नहीं होती है। यानी जो अधिक मात्रा में हम पानी पीते हैं तो जो शरीर पर जो अनावश्यक चर्बी होती है जिससे क्या बढ़ता है, मोटापा, क्या बढ़ता है, मोटापा, अनावश्यक जो चर्बी जो होती है हमारे शरीर में, जो उससे व्यक्ति क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या बढ़ने लग जाता है, मोटापा। तो आप नियमित रूप से जो भरपूर पानी पियेंगे तो जो अनावश्यक चर्बी जो होती है वो क्या नहीं होती है, जमा नहीं होती है, अनावश्यक चर्बी क्या नहीं होती है, जमा नहीं होती है। आई बात समझ में? इसके अलावा यानी जो अपने क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, यानी फेफड़ों में संक्रमण अस्थमा, इसके अलावा क्या होता है, यानी आंत की बीमारियां आदि नहीं होती हैं, तथा आंत की बीमारियां नहीं होती हैं, जो आंत होता है उसकी बीमारियां नहीं होती हैं। आई बात समझ में? नहीं होती हैं, आंत की बीमारियां नहीं होती हैं, यानी फेफड़ों में संक्रमण है, अस्थमा है, आंत की बीमारियां आदि नहीं होती हैं। तो ध्यान देना दोस्तों कि अगर हम नियमित रूप से क्या पीते हैं, भरपूर मात्रा में पानी पीएंगे तो जो फेफड़ों में संक्रमण है, अस्थमा, जो श्वास संबंधी बीमारी है, जो आंत होती है अपनी छोटी आंत और बड़ी आंत, भोजन के पाचन में आप पढ़ेंगे कि छोटी आंत और बड़ी आंत जो होती हैं उनकी बीमारियां नहीं होती हैं, उनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा ध्यान देना, समझना, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं अधिक जल का सेवन करने से क्या बता रहे हैं, लाभ, अधिक जल के सेवन से क्या लाभ है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अधिक जल का सेवन करने से लाभ बता रहे हैं क्योंकि चिकित्सकों के अनुसार, किसके अनुसार, चिकित्सकों के अनुसार हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, कितना, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। और इससे अधिक मात्रा, अगर हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, तो हमें उससे भी अधिक जल पीना चाहिए, क्योंकि अधिक जल पीने से क्या होते हैं, अनेकों क्या होते हैं, लाभ होते हैं। आई बात समझ में? अनेकों क्या होते हैं, लाभ होते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए एक बार और इनका रिविजन करा देता हूँ आपके लिए, ध्यान देना कि अधिक जल पीने, प्रश्न बनता है भाई अधिक जल का सेवन करने से क्या लाभ है, ठीक है ना। एक प्रश्न तो बताया था कि पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए। इसमें मैंने 5 पॉइंट बताए, और दूसरा है कि अधिक जल का सेवन करने से क्या लाभ है, अधिक जल का सेवन करने से क्या लाभ है। तो देखिए नंबर एक है कि अधिक जल पीने से, कैसा, अधिक जल पीने से शरीर के अंदर, यानी जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, शरीर के अंदर जो स्थित जो हानिकारक जो पदार्थ हैं, जो जहरीले पदार्थ हैं, वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं,
जिससे हमारा जो शरीर है कैसा रहता है, रोग मुक्त बना रहता है, रोग मुक्त रहता है, नंबर एक बात। दूसरा है थकान का एहसास नहीं होता है। अगर हम भरपूर मात्रा में या अधिक जल का सेवन करते हैं तो थकान का एहसास नहीं होता है। आई समझ में दोस्तों, ध्यान देना। तीसरा पॉइंट है कि अधिक जल का सेवन करने से क्या लाभ है कि शरीर चुस्त एवं फुर्तीला बना रहता है। कैसा बना रहता है? फुर्तीला बना रहता है, शरीर चुस्त एवं फुर्तीला बना रहता है। यानी जो हमारा शरीर है, अधिक जल पीने से यानी क्या नहीं होता है, आलस्य नहीं आता है। यानी जब आप अधिक मात्रा में जल पीएंगे, अधिक मात्रा में जल का सेवन करते हैं नियमित रूप से, कैसा, नियमित रूप से, रेगुलर रूप से, तो हमारा शरीर चुस्त एवं फुर्तीला बना रहता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रतिरोधक क्षमता मैंने बताया, रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की हमारे शरीर में क्या होती है, क्षमता होती है, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं। और इसका पूरा विस्तार प्रतिरोधक क्षमता के बारे में आप पाठ नंबर किस में, 4 में पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। पाठ 4 का नाम है आपका प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नंबर 5वां कि अधिक मात्रा में, कैसी मात्रा में, अधिक मात्रा में अगर जल का आप क्या करेंगे, सेवन करेंगे तो क्या होता है, नियमित रूप से जब भरपूर पानी का करते हैं, पथरी होने का क्या नहीं होता है, खतरा नहीं होता है। और जो पथरी होती है यानी कड़े होते हैं, स्टोन जमा हो जाते हैं हमारे शरीर में, जिससे कभी कभी उनसे असहनीय क्या होता है, असहनीय दर्द होता है, ठीक है ना, जिसको कभी कभी शल्य क्रिया के द्वारा भी क्या होता है, शरीर से बाहर निकलवाया जाता है। यानी शरीर से शल्य क्रिया के द्वारा इस पथरी को कभी कभी शरीर से बाहर निकलवाया जाता है। तो अगर आप दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से यानी भरपूर मात्रा में पानी का क्या करेंगे, सेवन करेंगे, तो उससे पथरी होने का खतरा नहीं होता है। यानी पथरी होने का क्या नहीं होता है, खतरा नहीं होता है। अगला है पर्याप्त मात्रा में, कैसी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं घेरते हैं। यानी जो सर्दी जुकाम होता है, देखा होगा आपने, अगर नियमित रूप से आप प्रतिदिन भरपूर मात्रा में जल का या अधिक मात्रा में जल का क्या करेंगे, सेवन करेंगे, तो आपको सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं घेरते हैं। नंबर अगर 7वां है, अधिक मात्रा में पानी पीने से जो अनावश्यक जो चर्बी होती है, अनावश्यक क्या होती है, चर्बी, ये शरीर पर जमा नहीं होती है। इसका मतलब है कि मोटापा नहीं बढ़ता, यानी शरीर में जो अनावश्यक जो चर्बी होती है वो जमा नहीं होती है। और लास्ट है आपका कि फेफड़ों में जो संक्रमण हो जाता है, अपने जो फेफड़े होते हैं, ठीक है ना, अस्थमा जो होती है, श्वास संबंधी जो बीमारी होती है, श्वास लेने में क्या होते हैं, कठिनाई महसूस होती है। और जो आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंतों की जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती हैं। तो ये है आपका अधिक जल का सेवन करने से लाभ। आई बात समझें दोस्तों। तो आपको आज मैंने इस चैप्टर में यानी पार्ट नंबर 1 में जो आपका चल रहा है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, तो मानव स्वास्थ्य में आपके लिए बताया कि पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए, जो पीने योग्य जल है उसके क्या गुण होने चाहिए, और जो जल होता है यानी उस अधिक मात्रा में, जो अगर उस जल का हम अधिक मात्रा में क्या करेंगे, सेवन करेंगे, तो उससे क्या लाभ है, कि अधिक मात्रा में जल का सेवन करने से क्या लाभ है, ठीक है। तो अधिक मात्रा में जल सेवन करने से अपने लाभ है, ठीक है ना। इसमें 2-3 प्रश्न आप और ध्यान रखना छोटे, क्योंकि इस पार्ट से 1+3 नंबर का, यानी एक प्रश्न कितने का आता है, एक का आता है। तो एक प्रश्न तो ये बन सकता है कि भाई उस पदार्थ का नाम बताइए, यानी उस पदार्थ का नाम बताइए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो प्राकृतिक रूप से तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो कौन है, जल, कौन है, जल, क्योंकि जल जो होता है ठोस अवस्था में भी, गैस अवस्था में भी, और इसके अलावा यानी तरल अवस्था ने द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। एक प्रश्न इसमें यह भी बनता है कि भाई चिकित्सक के अनुसार हमें प्रतिदिन कम से कम कितना जल पीना चाहिए, तो 8 से 10 गिलास, कितना, 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। साथ ही उसने लिखा है कि अगर आप अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, कैसा श्रम करते हैं, आप अधिक शारीरिक श्रम करते हैं तो आपको यानी
क्या होना चाहिए, 8 से 10 गिलास से भी अधिक पानी पीना चाहिए। आई बात समझ में। इसके अलावा इसमें जल का अणु सूत्र ध्यान रखना, जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O। जब भी मैंने पाठ की शुरुआत इसमें की थी इस टॉपिक की, उस समय दोस्तों आपको बताया था H2O। फिर एक टॉपिक इसमें ध्यान रखना, जल का प्राकृतिक स्रोत और जल के क्या उपयोग, कि जल के क्या क्या उपयोग है। तो जल का उपयोग हम किस में, उद्योगों में, कृषि कार्यों में, कपड़े धोने में, पीने में, स्नान करने में आदि कार्यों में हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कि जल के स्रोत क्या हैं, तो जल के भूमिगत स्रोत होते हैं जल के पृथ्वी पर, जैसे नदियां हैं, मैंने बताया था आपके लिए झीलें हैं, तालाब हैं, नलकूप हैं, कुएं हैं, भूमिगत जो स्रोत होते हैं उनसे हमें क्या होता है, जल प्राप्त होता है। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गए, जल के क्या हो गए, यानी जल की सामान्य विशेषताएं, पीने योग्य जल के गुण और अधिक जल का सेवन करने से लाभ। आशा करता हूं कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक जो है इसमें ध्यान देना, दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या है, दूषित जल के दुष्प्रभाव। क्योंकि मैंने टॉपिक जो लिखा था वो आपको बताया था इसमें कि भाई पीने योग्य जो पानी होते हैं उसके गुण और दूषित जल के दुष्प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। आशा करता हूं कि अच्छी तरह से ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, और कल आपके लिए दूषित जल के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा जो इस टॉपिक में आपके लिए विटामिन को पोषण, प्रोटीन को पोषण और खनिज को पोषण जो बताया था उसके बारे में भी आप अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि उसमें से भी आपका एक या प्लस तीन, दो प्रश्न पूछे जाते हैं इस पार्ट से, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और इजी पार्ट है। तो नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं फिर आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना स्वाध्याय नियमित रूप से अध्ययन करें। थैंक यू।